सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम 15,000 रुपीस के बजट में एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। इट मींस ओनली 15,000 रुपीस के बजट में हम एक गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे एंड साथ ही एक मॉनिटर और एक कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो भी परचेज करेंगे। एंड बात करूं इस पीसी की गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो ये पीसी आपको 720p मीडियम एंड 1080p लो सेटिंग्स पर काफी इजिली गेमिंग करवा देगा। एंड गाइस, कुछ गेम्स में तो ये पीसी आपको 720p हाई सेटिंग्स पर भी गेमिंग काफी इजिली करवा देगा। तो गाइज, अगर आप भी 15,000 रुपीस के बजट में गेमिंग पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। सो गाइज, दिस इज टोनी एंड यू आर वॉचिंग गैजेट बीट यूट्यूब चैनल। लेट स्टार्ट दी वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर हम बात करते हैं ऐसे ही गेम्स एंड गेमिंग पीसीज से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स एंड गेमिंग पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही प्रेस करो इस बेल आइकन को, ताकि इन फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा मिल जाएगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। नाउ, आज की इस वीडियो में हम एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं, वो भी ओनली 15,000 रुपीस के बजट में। एंड ये पीसी आपको 720p मीडियम टू हाई एंड 1080p लो सेटिंग्स पर काफी इजीली गेमिंग करवाने वाला है। बट ये डिपेंड करता है कि आप इस पीसी में कौन सा गेम खेल रहे हो। बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ गेम्स में ये पीसी आपको 720p मीडियम टू हाई एंड 1080p लो सेटिंग्स पर काफी इजीली गेमिंग करवा देगा। तो गाइस, अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस पीसी के कंपोनेंट्स के बारे में। एंड सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो गाइस, प्रोसेसर में मैंने इंटेल को i3 3240 का यूज किया है। अब ये प्रोसेसर इंटेल की थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है। अब वैसे तो ये प्रोसेसर काफी ओल्ड है, बट फिर भी ये प्रोसेसर आपको आज भी ठीक ठाक लेवल की गेमिंग करवा देता है। अब ये प्रोसेसर आता है 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स के साथ एंड इसमें आपको 3.6 GHz की बेस क्लॉक स्पीड भी मिल जाती है। अब ये प्रोसेसर काफी ओल्ड है एंड ये 22 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है एंड इसमें आपको 3 MB की कैश एंड 55 वॉट्स की TDP भी मिल जाती है। नाउ, ओवरऑल प्रोसेसर काफी डिसेंट है एंड गेमिंग में भी ये प्रोसेसर आपको ठीक ठाक लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। एंड गाइज, ये प्रोसेसर DDR3 रैम को सपोर्ट करता है एंड साथ ही ये LG1155 सॉकेट पर बेस्ड है। तो इस प्रोसेसर के साथ आप कोई भी H61 मदरबोर्ड पेयर कर सकते हो। एंड मैंने इस प्रोसेसर के साथ ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला ज़ेब्रोनिक्स के H61 मदरबोर्ड को पेयर किया है, बट आप किसी भी H61 मदरबोर्ड को पेयर कर सकते हो। ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको ज़ेब्रोनिक्स का ही मदरबोर्ड यूज करना है। अगर आपको गीगाबाइट का H61 मदरबोर्ड मिलता है तो आप गीगाबाइट के मदरबोर्ड को भी यूज कर सकते हो। नाउ, बात करते हैं ज़ेब्रोनिक्स H61 मदरबोर्ड की। तो ये मदरबोर्ड आता है 2 RAM स्लॉट्स के साथ जो कि सपोर्ट करते हैं DDR3 रैम को एंड ये मदरबोर्ड LG1155 सॉकेट पर बेस्ड है। तो इस मदरबोर्ड के साथ आप इंटेल की सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के सभी प्रोसेसर को यूज कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपके पास इंटेल की सेकंड जनरेशन का कोई i5 प्रोसेसर पहले से ही अवेलेबल है तो आप इस मदरबोर्ड में सेकंड जनरेशन के i5 प्रोसेसर का यूज भी कर सकते हो। अब वैसे तो ये मदरबोर्ड एक H61 चिपसेट वाला काफी बेसिक सा मदरबोर्ड है, बट बात करें परफॉर्मेंस की तो आज भी ये मदरबोर्ड आपको काफी डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। नाउ, ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है DDR3 रैम को, तो इसीलिए मैंने इस मदरबोर्ड के साथ हाइनिक्स की तरफ से आने वाली हाइनिक्स की DDR3 1600 MHz वाली 4GB की 2 स्टिक्स का यूज किया है। अब ये रैम स्टिक्स आउट ऑफ द बॉक्स ऑफर करती है 1600 MHz की फ्रिक्वेंसी एंड अकॉर्डिंग टू DDR3 स्टिक्स 1600 MHz की फ्रिक्वेंसी पीसी के लिए काफी डिसेंट है। एंड इस रैम में आपको किसी भी टाइप की हीट सिंक का सपोर्ट नहीं मिलता है, इनमें आपको नॉर्मल सी पीसी भी देखने के लिए मिल जाती है। नाउ, बात कर लेते हैं प्राइस की। तो मैंने ये रैम, प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड का कॉम्बो नेहरू प्लेस ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया था एंड ये कॉम्बो मुझे नेहरू प्लेस ऑफलाइन मार्केट में अराउंड 5,000 रुपीज का काफी इजिली मिल गया था। एंड गाइज, ये प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड रैम का कॉम्बो मुझे इतना चीप में इसलिए मिला क्योंकि ये सभी कंपोनेंट्स मैंने यूज्ड कंडीशन में परचेज किए थे। इनमें से किसी भी कंपोनेंट को मैंने न्यू परचेज नहीं किया था, तो इसलिए ये कॉम्बो मुझे 5,000 रुपीज में मिल गया था। बट अगर आप इन सभी कंपोनेंट्स को न्यू कंडीशन में परचेज करने की सोच रहे हो तो फिर ये पीसी एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि न्यू कंडीशन में H61 मदरबोर्ड का प्राइस ही काफी ज्यादा हाई है एंड फिर आपके पास और भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो गाइज, इन सभी कंपोनेंट्स को न्यू कंडीशन में परचेज करने से अच्छा आप किसी और कंपोनेंट्स के साथ अपना गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो। एंड ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर हर बजट के अकॉर्डिंग पीसी बिल्ड कर चुका हूँ, तो अगर आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग एक पीसी बिल्ड करना है तो आप मेरी पीसी बिल्ड की प्लेलिस्ट भी ब्राउज कर सकते हो। एंड गाइज, अब बात करते हैं अपने PSU एंड कैबिनेट की। तो PSU एंड कैबिनेट में मैंने ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला नॉर्मल सा PSU एंड कैबिनेट का कॉम्बो यूज किया है। अब इस कॉम्बो में मुझे एक 400 वॉट्स की PSU एंड एक नॉर्मल सा कैबिनेट मिल गया था जो कि इस पीसी को बिल्ड करने के लिए मोर देन इनफ है एंड ये कॉम्बो मुझे अराउंड 1,000 रुपीज का मिल गया था। एंड गाइज, सेम इसी बजट में आपको ऑफलाइन मार्केट में इंटेक्स, पुंटा, एंटर एंड फोक्सिन की तरफ से आने वाले
PSU एंड कैबिनेट के कॉम्बोज भी मिल जाते हैं। तो गाइस जब आप ऑफलाइन मार्केट में अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करवा रहे हो तो जो भी PSU एंड कैबिनेट का कॉम्बो आपको अवेलेबल मिलता है आप उस कॉम्बो के साथ अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करवा लेना। ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको ज़ेब्रोनिक्स के ही PSU एंड कैबिनेट के कॉम्बो का यूज करना है। एंड गाइस अब बात करते हैं स्टोरेज की, क्योंकि इस पीसी में विंडोज एंड गेम्स भी तो इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए स्टोरेज लगाना मस्त है। तो गाइस इस पीसी में मैंने WD की तरफ से आने वाली WD ब्लू 500GB की HDD का यूज किया है। अब इस पीसी में मैंने किसी भी टाइप की SSD का यूज नहीं किया है। एंड यस आई ऑलरेडी नो कि एक SSD काफी अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस ऑफर करती है एक नॉर्मल HDD के कंपैरिजन में। बट गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे सेटअप का बजट ओनली 15,000 रुपीज था, तो 15,000 रुपीज का बजट काफी बड़ी लिमिटेशन बन रहा था। एंड इसी वजह से मैंने इस पीसी में सिर्फ 500GB की HDD का यूज किया है। अब ये HDD आउट ऑफ द बॉक्स ऑफर करती है 500GB का स्टोरेज स्पेस, जो कि विंडोज एंड कुछ गेम्स इंस्टॉल करने के लिए मोर देन इनफ है। एंड ऑल्सो ये HDD रन करती है 7200 RPM की स्पीड पर, तो अब डिसेंट लेवल की स्पीड भी इस HDD में आपको मिल जाएगी। अब SSD की जितनी स्पीड तो आपको नहीं मिलेगी, बट जो HDD 5400 RPM की स्पीड पर रन करती है उन HDD के कंपैरिजन में इस HDD में आपको काफी अच्छे लेवल की स्पीड मिल जाएगी। एंड बात करें इस HDD के प्राइस की, तो गाइज ये HDD भी मैंने यूज्ड कंडीशन में परचेज की थी नेहरू प्लेस ऑफलाइन मार्केट से। एंड नेहरू प्लेस ऑफलाइन मार्केट में ये HDD मुझे 1000 रुपीज की काफी इजिली मिल गई थी। सो गाइज अब बात करते हैं इस PC के मोस्ट ग्लैमरस कंपोनेंट की, एंड यस जो कि होने वाला है अपना ग्राफिक्स कार्ड। तो गाइज इस PC में मैंने Zotac GTX 1050 2GB वाले वेरिएंट का यूज किया है। अब ये ग्राफिक्स कार्ड आउट ऑफ द बॉक्स ऑफर करता है 2GB की GDDR5 VRAM, एंड इसमें आपको 1354 MHz की बेस क्लॉक स्पीड एंड साथ ही 1455 MHz की मैक्स बूस्ट क्लॉक स्पीड भी मिल जाती है। अब ये ग्राफिक्स कार्ड भी मैंने नेहरू प्लेस ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया था, तो ये ग्राफिक्स कार्ड मुझे नेहरू प्लेस ऑफलाइन मार्केट में अराउंड 4000 रुपीज का काफी इजिली मिल गया था। अब 4000 रुपीज के बजट में ये ग्राफिक्स कार्ड आपको काफी अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। नाउ बात करें Zotac GTX 1050 की, तो अगेन ये ग्राफिक्स कार्ड आता है 2GB की GDDR5 VRAM के साथ, जो कि आपको 720p मीडियम टू हाई एंड 1080p लो सेटिंग्स पर गेमिंग काफी इजिली करवा देगा। एंड ऑल्सो कुछ गेम्स में तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 720p हाई एंड 1080p लो टू मीडियम सेटिंग्स पर भी काफी इजिली गेमिंग करवा देता है। एंड ऑल्सो इस ग्राफिक्स कार्ड में आपको 128 bit की मेमोरी बस, 640 CUDA कोर्स एंड 7GHz की मेमोरी क्लॉक स्पीड भी मिल जाती है। तो ओवरऑल ये ग्राफिक्स कार्ड 4000 रुपीज के बजट में काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। एंड गाइस अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो शायद आपको नेहरू प्लेस ऑफलाइन मार्केट में 4000 रुपीज के बजट में GTX 1050 Ti 4GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड भी मिल सकता है। तो गाइस जब भी आप एक यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड परचेज करने के लिए नेहरू प्लेस ऑफलाइन मार्केट को विजिट करो, तो डायरेक्टली ग्राफिक्स कार्ड परचेज करने से अच्छा सभी PC कंपोनेंट्स की शॉप्स पर पता कर लेना, वहाँ से अपने ग्राफिक्स कार्ड को परचेज कर लेना। एंड यस मैं आपको बता दूं, ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल अंधों की तरह परचेज मत करना, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में स्कैम्स एंड फ्रॉड्स चलते रहते हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड को परचेज करने से पहले प्रॉपरली चेक कर लेना एंड स्ट्रेस टेस्ट भी कर लेना, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपका ग्राफिक्स कार्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो फिर आप उस ग्राफिक्स कार्ड को परचेज कर लेना। तो गाइस अब अपना PC बिल्ड तो हो चुका है कंप्लीट, नाउ बात करते हैं मॉनिटर कीबोर्ड एंड माउस की। तो अब मॉनिटर में मैंने ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला ज़ेब्रोनिक्स के 19 इंच के मॉनिटर का यूज किया है। अब ये मॉनिटर मैंने न्यू कंडीशन में परचेज किया है, तो ये मॉनिटर मुझे नेहरू प्लेस ऑफलाइन मार्केट में अराउंड 4000 रुपीज का मिल गया था। नाउ बात कर लेते हैं इस मॉनिटर के कुछ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस की। तो गाइस ये एक 720p रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर है, जो कि आता है एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ। अब एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि अगर आपके रूम में काफी ज्यादा लाइटनिंग रहती है तो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले की वजह से इस मॉनिटर में आपको रिफ्लेक्शंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड गाइस अब आप 4000 रुपीज के मॉनिटर से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको 4000 रुपीज के बजट में एक 22-24 इंच वाला IPS पैनल वाला मॉनिटर मिलेगा, तो गाइस ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट यस अगर आप अपना थोड़ा सा बजट इंक्रीज कर सकते हो तो आपको अराउंड 7000 रुपीज के बजट में LG की तरफ से आने वाला 22 इंच का काफी अच्छे लेवल का मॉनिटर मिल जाता है। एंड गाइस अब बात करते हैं कीबोर्ड एंड माउस की। तो कीबोर्ड एंड माउस में भी मैंने ज़ेब्रोनिक्स के कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो का यूज किया है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि शायद आपको लग रहा होगा कि इस PC बिल्ड में मैंने मदरबोर्ड, PSU एंड कैबिनेट, मॉनिटर के साथ कीबोर्ड एंड माउस भी ज़ेब्रोनिक्स के ही यूज किए हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अपने 15,000 रुपीज के बजट को प्रायोरिटी देते हुए जो कंपोनेंट्स मुझे चीप में अवेलेबल मिले उन कंपोनेंट्स के साथ मैंने इस PC बिल्ड को फाइनल किया। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वीडियो ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो अब कमेंट में बिल्कुल भी मत कहना कि ये वीडियो ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। नाउ बात कर लेते हैं कीबोर्ड एंड माउस की। तो गाइस मैंने ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाले
ज़ेब्रोनिक्स के जुड़वा कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो का यूज किया है। अब ये कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो मैंने 500 रुपीज में परचेज किया था। एंड बात करूं इस कॉम्बो में आने वाले कीबोर्ड एंड माउस की, तो इस कॉम्बो में आपको एक नॉर्मल सा मल्टीमीडिया कीबोर्ड मिल जाता है जो कि एक फुल फॉर्म फैक्टर वाला कीबोर्ड है, मतलब इसमें आपको नमपैड भी मिल जाता है। एंड साथ ही इस कीबोर्ड में आपको इंडियन रुपी सिंबल भी मिल जाता है। एंड यस, इस कीबोर्ड में आपको नॉर्मल सी चिकलेट कीज मिलती है, तो इस बजट में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि इस कीबोर्ड में आपको किसी भी टाइप की हाई एंड मैकेनिकल कीज का सपोर्ट मिलेगा। एंड बात करें माउस की, तो माउस भी एक नॉर्मल सा ऑप्टिकल सेंसर वाला माउस है। सो गाइस, नाउ अपना फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड हो चुका है कंप्लीट। एंड अब बात करते हैं इस पीसी की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो अब इंटेल को i3 3240 एक 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है जो कि GTX 1050 के साथ आपको काफी अच्छे लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। एंड अगेन इस पीसी में आप 720p मीडियम एंड 1080p लो सेटिंग्स पर काफी इजीली गेमिंग कर सकते हो। सो गाइस, अब 15,000 रुपीज के बजट में आपका एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड हो गया। एंड इस पीसी में आप मॉडर्न AAA टाइटल्स भी काफी इजीली प्ले कर सकते हो। तो यार, अब आप 15,000 रुपीज के बजट में काफी अच्छे लेवल की गेमिंग कर सकते हो। एंड इस बजट में अब आप और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो गाइज, अब अगर आप ये पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको सभी कंपोनेंट्स की बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप किसी भी कंपोनेंट को परचेज कर सकते हो। एंड अगेन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस पीसी बिल्ड में मैंने सभी यूज्ड कंपोनेंट्स का यूज किया है। एंड जो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी वो सभी लिंक्स न्यू कंपोनेंट्स की है। एंड न्यू कंपोनेंट्स का प्राइस आपको यूज्ड कंपोनेंट से काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, प्राइस को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड मत होना। अगर आप ऑफलाइन मार्केट विजिट कर सकते हो तो आप ऑफलाइन मार्केट में ये सेम पीसी 15,000 रुपीज में बिल्ड कर सकते हो। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। एंड यही था आज की इस वीडियो में। नाउ, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं एंड अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमेज़न की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। लिटरली गाइस, आप उस लिंक से कुछ भी परचेज कर सकते हो, उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करो एंड पीसी कंपोनेंट्स के साथ जो भी चीज आपको परचेज करनी है परचेज करो एंड अपने भाई को अपना सपोर्ट दिखाओ। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस पीसी बिल्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए एंड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, लिटरली गाइस क्या ही कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही ऑसम गेम्स एंड गेमिंग पीसी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। एंड साथ ही प्रेस करो इस बेल आइकन को ताकि इन फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा मिल जाएगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो गाइस, दिस इज टोनी एंड यू आर वॉचिंग गैजेट बीट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।